हेलो एवरीवन। और ये हमारा जो वीडियो सीरीज था पेपर्स के लिए उसी का पार्ट है। और आज हम जो है यूजीसी केयरलेस जर्नल्स डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें हम जो एरिया कवर करने जा रहे हैं मल्टीडिसिप्लिनरी जर्नल ले रहे हैं, बल्कि ज़्यादातर हिंदी, कंप्यूटर साइंस, आर्ट एंड ह्यूमनिटीज, सोशल साइंस, फाइन आर्ट साइंस, पॉलिटिकल साइंस, तो जितने भी हमारे एरिया हैं वो सारे हमने कवर किए हैं। यूजीसी केयर लिस्ट से उनको वेरीफाई भी किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम जनरल डिस्कस करने वाले हैं उसका तो नाम ही अपने आप में बहुत अच्छा है, और वो है अपनी माटी। और अपनी माटी जर्नल की खास बात ये है कि ये जो है हिंदी लैंग्वेज में मैन्युस्क्रिप्ट को एक्सेप्ट करता है, तो आप इसमें सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में ही भेज सकते हैं। ये मल्टीडिसिप्लिनरी है जर्नल, और मल्टीडिसिप्लिनरी जर्नल है। साथ में देखिए इन्होंने यहाँ सीधे सीधे लिखा है कि हम कोई फीस चार्ज नहीं करते हैं। ऐसा प्रश्न पूछ के हमें शर्मिंदा ना करें। तो जितने भी आज हम जर्नल डिस्कस करने वाले हैं वो सारे अनपेड जर्नल ही हैं। और यहाँ पे आप एरियाज देख सकते हैं कौन कौन से एरिया। वैसे तो मल्टीडिसिप्लिनरी जर्नल है ही, लिटरेचर, साहित्य, संस्कृत, लोक संस्कृत, भाषा, लैंग्वेजेस, पर्यावरण, एनवायरमेंट, दर्शन शास्त्र, फिलोसफी, इतिहास, हिस्ट्री, धर्म, रिलीजन से रिलेटेड सारे आप आर्टिकल्स यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। ये यूजीसी केएल लिस्ट से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, वैसे ही आप कर सकते हैं जैसे मैंने वेरीफाई किए हैं हर जर्नल को। आप भी अपने जिस जर्नल में भेजना चाह रहे हैं यूजीसी केएल लिस्ट से उसको वेरीफाई कर लें। और एक चीज ध्यान रखें, ये यूजीसी केयर जो पुराना वाला साइट था वो नहीं देखना है। अब हमें नए जर्नल्स के लिए, या कह लीजिए नया यूजीसी केयर लिस्ट, तो उसके लिए आपको यूजीसी केयर UNI pune.aic.in इस साइट से वेरीफाई करना है। अगर आप पुराने यूजीसी केयर से जाएंगे तो वो जर्नल्स अब यूजीसी केयर लिस्ट में नहीं है, है ना? तो ये जरूर ध्यान रखें तो कि आपको पुणे वाली साइट से वेरीफाई करना है। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस हिंदी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी जर्नल। नेक्स्ट है जर्नल हमारा दृष्टि द साइट। लैंग्वेज एक्सेप्ट करते हैं ये इंग्लिश एंड असमी। और ये जो स्क्रीनशॉट है ये यूजीसी केयर लिस्ट से ही है, तो मैंने ज्यादातर सब वेरीफाई किया है। आप प्लीज जरूर वेरीफाई करिएगा। और ये जो एरिया कवर करता है ये हार्ट्स एंड ह्यूमनिटी कवर करता है, तो वेरिफिकेशन के लिए ये साइट से जरूर जाएं। ये दृष्टि द साइट है। यहाँ पे इन्होंने आपको कि आपको क्या रखना है मैन्युस्क्रिप्ट का टाइप, कितना आर्टिकल्स, किस लेंथ का होना चाहिए, किस साइज का होना चाहिए, वो सब यहाँ पे मेंशन है। कितनी स्पेसिंग रखनी चाहिए, कितने वर्ड्स का आर्टिकल ये एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी जर्नल आर्ट्स का है, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सेप्ट करता है मैन्युस्क्रिप्ट। आर्ट्स और ह्यूमनिटीज का एरिया है, और ये जो स्क्रीनशॉट है वो यूजीसी केयर यूनिवर्सिटी pune.aic से है। नेक्स्ट है जर्नल ऑफ एडवांस साइंसेज एंड रिसर्च, ये और ये इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। साइंस एरिया है, साइंस में कौन कौन से एरिया कवर करता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। केमिस्ट्री, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, जनरल केमिस्ट्री, जनरल मेडिसिन, जनरल फार्माकोलॉजी, टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स जिनके फोकस एरिया है, और ये यूजीसी केयर पुणे से वेरीफाई है। जर्नल ऑफ आर्ट्स, ठीक है, ये भी यूजीसी केयर लिस्ट में है, और ये जो है आर्ट्स का पेपर है, और यहाँ पे ये सारे लैंग्वेजेस लिखी हुई है कि किस किस एरिया को ये कवर करता है। तो सारे लिटरेचर्स को, आर्ट्स को, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी लैंग्वेज, लिटरेचर, फैशन, डिजाइनिंग, टेक्सटाइल, टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म, मास एंड कम्युनिकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो काफी सारे एरिया को कवर करता है, और इनकी भी कोई पब्लिकेशन फीस नहीं है। फिर है भारतीय समाजशास्त्र समीक्षा जर्नल, ये भी यूजीसी केयर लिस्ट में है, मैंने चेक किया है, और ये सेज पब्लिकेशन का है। सेज पब्लिकेशन जो है ठीक पब्लिकेशंस में आता है, और
इसकी जो पब्लिकेशन लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो यहाँ पे जो आपको मैनुस्क्रिप्ट भेजनी पड़ेगी वो हिंदी लैंग्वेज में भेजनी पड़ेगी, और जो एरिया या डिसिप्लिन कवर करता है वो सोशल साइंस कवर करता है, सोशल साइंस के ऑल सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट जर्नल है एंगेजिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, तो ये भी मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल है और यूजीसी केयर का है, और यहाँ लिखा हुआ भी है कि कोई फीस नहीं लेते हैं पब्लिकेशंस के लिए, और यूजीसी केयर से इसका स्क्रीनशॉट है, लेकिन यहाँ पे जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट की वो इंग्लिश लैंग्वेज करते हैं। जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च JSR, ये साइंस का जर्नल है, यूजीसी केयर लिस्ट में है ये, और कौन कौन से एरिया कवर करता है वो है अर्थ साइंस, लाइफ साइंस एंड फिजिकल साइंस, साइंस का जर्नल है, और यहाँ पे जो मैन्युस्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ये यूजीसी केयर लिस्ट से इसका स्क्रीनशॉट है, और ये एरिया है जिस एरिया को ये कवर करता है। इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, और मैंने पूरी कोशिश की है कि कम समय में ज़्यादा जर्नल डिस्कस करे जाए यूजीसी केयर के, और जो कमेंट सेक्शन में मुझे कहा गया था उनको भी मैंने कवर करने की कोशिश की है, और आप कमेंट करते रहें, साथ में जुड़े रहें, ऐसे ही हौसला बढ़ाते रहें। धन्यवाद।